काशीपुर और बाजपुर रोड स्थित क्वारंटाइन सेंटर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सिविल जज सीनियर डिवीजन अविनाश श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा महिला बाल किशोर जनजागृति समिति तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यता पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा प्रदेश में प्रवासियों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली तथा दुर्दशा पर संज्ञान लिया जाने के बाद उधम सिंह नगर जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन अविनाश श्रीवास्तव ने रुद्रपुर क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद आज काशीपुर के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मुझे उधम सिंह नगर के सभी क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना है कि वहाँ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रही है या नहीं, लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो पा रही है या नहीं, लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं। तो कल मेरे द्वारा रुद्रपुर में निरीक्षण किया गया था क्वारंटाइन सेंटर का, आज मेरे द्वारा काशीपुर, जसपुर और खटीमा में निरीक्षण करने का प्लान है। और IIM काशीपुर में व्यवस्था मैंने देखी, यहाँ प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह संतोषजनक है और किसी भी व्यक्ति की हर इच्छा को पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जीवन को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरतें हैं। थोड़ी सी कमियां मिली है, बाथरूम और सिंक में जो है प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है, उसके लिए मैंने कहा है तो इनके द्वारा नगर पालिका की गाड़ी वगैरह बुलाई गई है, उसको सैनिटाइज कराने का काम भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि यहाँ की व्यवस्था और बेहतर है। सर अब तक कहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं आप? रुद्रपुर का किया, जीबी पंत में भी अच्छी व्यवस्था है और वहाँ पर भी यही दिक्कतें थी कि सफाई कर्मी क्योंकि कम है और रहने वाले लोग अधिक हैं, कमरे अधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रॉपर नीट एंड क्लीन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उस हद तक सफाई व्यवस्था भी यहाँ चुस्त दुरुस्त है। दोनों टाइम सैनिटाइजेशन हो रहा है, हर क्वारंटीन सेंटर में नगर निगम के द्वारा सुबह शाम छिड़काव किए जा रहे हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, वो सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन चूँकि इनकी संख्या कम है इस कारण से ये प्रॉपर वे में सेवा नहीं दे पा रहे हैं।